अब हम अनुरोध करते हैं माननीय राष्ट्रपति जी तथा मंचस्थ सभी गणमान्य अतिथियों से कि कृपया दीप प्रज्वलित कर विधिवत समारोह का शुभारंभ करें। अब हम अनुरोध करते हैं सचिव राजभाषा विभाग श्री अरुण कुमार जैन से, कृपया सभी का स्वागत करते हुए अपने उद्गार व्यक्त करें। हिंदी दिवस समारोह में आपकी उपस्थिति हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के प्रति आपके लगाव को जाहिर करती है। आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणादायक है और आपके आशीर्वचनों और मार्गदर्शन से हिंदी का उत्तरोत्तर प्रगति सुनिश्चित हो सकेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन जी, आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम गौरवान्वित हुए हैं और तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री रतनजीत प्रताप नारायण सिंह जी, आपकी सक्षम और सशक्त देखरेख में हम अपनी कार्यक्षमता और कुशलता बढ़ाने के प्रति निरंतर प्रयासरत हैं। आपका स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। आपकी उपस्थिति से निश्चित रूप से हमारा उत्साह बढ़ा है। इस अवसर पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा पर जोर दिया गया था। आपको विदित होगा, हमारे राष्ट्रीय नेताओं की यह दृढ़ धारणा थी कि कोई भी देश अपनी स्वतंत्रता को अपनी भाषा के प्रसार और प्रयोग के अभाव में मौलिक रूप से परिभाषित नहीं कर सकता, उसे अनुभव नहीं कर सकता। राष्ट्रीय स्वाभिमान और सुविधा की दृष्टि से उन्होंने हिंदी को सर्वाधिक उपयुक्त समझते हुए उसे संपर्क भाषा के रूप में स्थापित किया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान सभा ने हिंदी को संघ सरकार की राजभाषा स्वीकार किया। आज हिंदी भारत संघ की राजभाषा है। यह भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम होने के साथ साथ भारत के संविधान में वर्णित भावनात्मक एकता को सुदृढ़ करने का जरिया भी है। राजभाषा हिंदी का उत्तरोत्तर विकास इस बात पर निर्भर करता है कि कामकाज में उसका कितना प्रयोग किया जाता है। कोई भी भाषा तभी लोकप्रिय बनती है जब जनमानस पर वह अपना अधिकार जमा सके। यह अधिकार यदि प्रेम सद्भावना के जरिए जमाया जाए तो ज़्यादा टिकाऊ होता है। महानुभाव, हम इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। राजभाषा विभाग ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। साथ ही सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग के प्रति प्रेरित और प्रोत्साहित करने तथा इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज के समारोह में हम न केवल संस्थाओं को सम्मानित करेंगे बल्कि ऐसे व्यक्तियों को भी सम्मानित करेंगे जिन्होंने अपने उल्लेखनीय कार्यों से इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं अपनी ओर से और राजभाषा विभाग की ओर से हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर सभी पुरस्कार विजेताओं का स्वागत करता हूँ और उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी उत्कृष्टता की नई मिसालें कायम होंगी और नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय गृह राज्य मंत्री जी और आप सबका इस समारोह में स्वागत करता हूँ और हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। अब राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य हेतु वर्ष 2011-12 के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्रदान की जाएगी। माननीय राष्ट्रपति जी से हमारा विनम्र अनुरोध है, कृपया अपने कर कमलों से पुरस्कार प्रदान करें। प्रथम पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय
पुरस्कार ग्रहण करेंगे सचिव श्री बिमल जुल्का। द्वितीय पुरस्कार संसदीय कार्य मंत्रालय पुरस्कार ग्रहण करेंगी सहायक निदेशक सुश्री मृगनयनी पांडे। तृतीय पुरस्कार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय पुरस्कार ग्रहण करेंगे सचिव श्री माधवलाल। अब इसी योजना के अंतर्गत उन मंत्रालयों तथा विभागों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे जिनमें कार्मिकों की संख्या 300 से अधिक है। प्रथम पुरस्कार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पुरस्कार ग्रहण करेंगे सचिव प्रोफेसर TCA अनंत। द्वितीय पुरस्कार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय पुरस्कार ग्रहण करेंगे उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक श्री शंकर नारायण। तृतीय पुरस्कार विधायी विभाग पुरस्कार ग्रहण करेंगे सचिव श्री PK मल्होत्रा। अब इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वर्ष 2011-12 के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। क क्षेत्र के उपक्रम प्रथम पुरस्कार NHPC लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण करेंगे निदेशक कार्मिक श्री RS मीणा। द्वितीय पुरस्कार NTPC लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. अरूप रॉय चौधरी। तृतीय पुरस्कार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री चंद्रशेखर वर्मा। अब ख क्षेत्र के उपक्रम प्रथम पुरस्कार भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड नवी मुंबई पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री N. शंकर। द्वितीय पुरस्कार हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सुबीर रॉय चौधरी। तृतीय पुरस्कार भारतीय कपास निगम लिमिटेड मुंबई पुरस्कार ग्रहण करेंगे सलाहकार श्री UC झा। अब ग क्षेत्र के उपक्रम प्रथम पुरस्कार HLL लाइफ केयर लिमिटेड तिरुवनंतपुरम पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. M. अय्यप्पन। द्वितीय पुरस्कार गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रियर एडमिरल सेवानिवृत्त AK वर्मा विशिष्ट सेवा मेडल। तृतीय पुरस्कार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री AP चौधरी। अब इसी योजना के अंतर्गत भारत सरकार के बोर्ड स्वायत्त निकाय ट्रस्ट सोसाइटी आदि को वर्ष 2011-12 के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। क क्षेत्र प्रथम पुरस्कार सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली पुरस्कार ग्रहण करेंगे निदेशक श्री गिरीश चंद्र जोशी। द्वितीय पुरस्कार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं निदेशक श्री सीमाद्री बिहारी ओटा। तृतीय पुरस्कार भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली पुरस्कार ग्रहण करेंगे निदेशक डॉ. सुरजीत मित्रा। ख क्षेत्र प्रथम पुरस्कार कंडला पोर्ट ट्रस्ट गांधीधाम पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष डॉ. PD वाघेला। द्वितीय पुरस्कार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद पुरस्कार ग्रहण करेंगी अध्यक्षा डॉ. अमृता पटेल। तृतीय पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवी मुंबई पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष श्री NN कुमार। ग क्षेत्र प्रथम पुरस्कार नारियल विकास बोर्ड कोच्ची पुरस्कार ग्रहण करेंगी सहायक निदेशक श्रीमती बीना S। द्वितीय पुरस्कार केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु पुरस्कार ग्रहण करेंगे महानिदेशक श्री N. मुरुगेशन। तृतीय पुरस्कार तंबाकू बोर्ड गुंटूर पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष डॉ. K. गोपाल। अब इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों व वित्तीय संस्थानों को वर्ष 2011-12 के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार बैंक ऑफ बड़ौदा पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री SS मुंदड़ा।
द्वितीय पुरस्कार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी सरकार। तृतीय पुरस्कार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजीव ऋषि। इसके अतिरिक्त तीन प्रोत्साहन पुरस्कार। पहला प्रोत्साहन पुरस्कार पंजाब नेशनल बैंक पुरस्कार ग्रहण करेंगी कार्यपालक निदेशक श्रीमती उषा अनंत सुब्रमण्यन। दूसरा प्रोत्साहन पुरस्कार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस एल बंसल। तीसरा प्रोत्साहन पुरस्कार इलाहाबाद बैंक पुरस्कार ग्रहण करेंगी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्रीमती एस ए पानसे। अब क ख और ग क्षेत्र में स्थित प्रथम स्थान पर आने वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। क क्षेत्र नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दिल्ली बैंक पुरस्कार ग्रहण करेंगे फील्ड महाप्रबंधक एवं अध्यक्ष श्री सुखदेव राज शर्मा। ख क्षेत्र नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति लुधियाना कार्यालय पुरस्कार ग्रहण करेंगे मुख्य आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष श्री जसपाल सिंह। ग क्षेत्र नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बेंगलोर उपक्रम पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री मलय चटर्जी। अब वर्ष 2012-13 में प्रकाशित गृह पत्रिकाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। क क्षेत्र प्रथम पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली की गृह पत्रिका स्पंदन पुरस्कार ग्रहण करेंगे सचिव श्री जे सत्यनारायण। द्वितीय पुरस्कार भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ की गृह पत्रिका इक्षु पुरस्कार ग्रहण करेंगे निदेशक डॉक्टर सुशील सोलोमन। ख क्षेत्र प्रथम पुरस्कार भारतीय स्टेट बैंक मुंबई की गृह पत्रिका प्रयास पुरस्कार ग्रहण करेंगे उप प्रबंध निदेशक एवं कॉरपोरेट विकास अधिकारी श्री बाल कृष्ण विनायक चौबल। द्वितीय पुरस्कार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई की गृह पत्रिका यूनियन धारा पुरस्कार ग्रहण करेंगे कार्यपालक निदेशक श्री एस के जैन। ग क्षेत्र प्रथम पुरस्कार इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई की गृह पत्रिका वाणी पुरस्कार ग्रहण करेंगे कार्यपालक निदेशक श्री ए डी एम चावले। द्वितीय पुरस्कार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम की गृह पत्रिका सुगंध पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं निदेशक कार्मिक श्री वाई आर रेड्डी। बस इंदिरा गांधी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2011 में मूल रूप से हिंदी में लिखित पुस्तकों के लिए शील्ड प्रमाण पत्र तथा नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार प्राचीन भारतीय स्मारकों का संरक्षण तकनीक एवं प्रविधियां पुस्तक को पुरस्कार ग्रहण करेंगे पुस्तक के लेखक श्री वीरेंद्र कुमार तिवारी। द्वितीय पुरस्कार कोल बैडमिथन एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत पुस्तक को पुरस्कार ग्रहण करेंगे पुस्तक के लेखक श्री अशोक कुमार सिंह। श्री वैद्यनाथ प्रसाद और श्री आनंद वर्धन सहाय तृतीय पुरस्कार सी वी रमन पुस्तक को पुरस्कार ग्रहण करेंगे पुस्तक के लेखक डॉक्टर तेजेन कुमार बोसु। प्रोत्साहन पुरस्कार अंतरिक्ष में मानव की गहरी पैठ पुस्तक को पुरस्कार ग्रहण करेंगे लेखक श्री काली शंकर और श्री राकेश शुक्ला। अब राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2011 में मूल रूप से हिंदी में लिखित पुस्तकों को शील्ड प्रमाण पत्र तथा नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार आर्कटिक मध्यरात्रि के सूर्य का क्षेत्र पुस्तक को पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर निलय खरे और श्री श्याम सुंदर। ग्रहण करेंगे पुस्तक के सह लेखक डॉक्टर निलय खरे। द्वितीय पुरस्कार बलेरिया विज्ञान पुस्तक को
पुरस्कार ग्रहण करेंगी पुस्तक की लेखिका डॉक्टर पद्मावती त्यागी। तृतीय पुरस्कार संक्रामक बीमारियों से कैसे बचे पुस्तक को पुरस्कार ग्रहण करेंगे लेखक डॉक्टर प्रेमचंद्र स्वर्णकार। प्रोत्साहन पुरस्कार प्रयोगात्मक शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक को पुरस्कार ग्रहण करेंगे लेखक डॉक्टर हंसराज पाल। डॉक्टर राजेंद्र पाल और श्री राकेश देवड़ा। प्रोत्साहन पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण रोचक एवं कौतूहलपूर्ण रिकॉर्ड पुस्तक को पुरस्कार ग्रहण करेंगे लेखक श्री काली शंकर। और श्री राकेश शुक्ला प्रोत्साहन पुरस्कार विधि विज्ञान तथा चिकित्सा न्याय शास्त्र पुरस्कार ग्रहण करेंगे लेखक श्री मोहम्मद हसन जैदी और श्री दीपक रतन। प्रोत्साहन पुरस्कार क्षतीय वर्षा जल संचय एवं जल विज्ञान पुरस्कार ग्रहण करेंगे लेखक श्री राज बहादुर गुप्ता। प्रोत्साहन पुरस्कार आकाशवाणी की आवाज का जादूगर उद्घोषक पुरस्कार ग्रहण करेंगे लेखक श्री आलोक सक्सेना। प्रोत्साहन पुरस्कार मानवाधिकार विधि पुरस्कार ग्रहण करेंगे लेखक डॉक्टर अमित सिंह और श्री मोहम्मद हसन जैदी। केंद्र सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा पत्र